थाईलैंड में नौसेना का पहुंच समुद्र में डूबा, 75 को बचाया, 31 सभी भी लापता। कनाडा के टोरंटो में खुलेआम फायरिंग, संदिग्ध शूटर समेत 5 की मौत, 1 घायल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जांच करेगी। पश्चिमी पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने कई लोगों को बनाया बंधक, 2 पुलिसकर्मियों की मौत, कई लोग घायल। नेपाल दौरे पर भारत के एटीआरएसी चीफ ऑफ स्टाफ, दोनों सेनाओं के बीच संबंध होंगे मजबूत, 24 दिसंबर तक की यात्रा के दौरान नेपाल की सेना प्रमुख से करेंगे बात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता, रात करीब 1:30 बजे आया भूकंप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और गार्डों के बीच विवाद, छात्र और गार्डों के बीच फायरिंग, पथराव से हड़कंप, छात्रों का विश्वविद्यालय के गार्डों से जमकर झड़प। दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में 1 कैच लेते समय चोटिल हुए, 22 दिसंबर से मीरपुर में शुरू होगा दूसरा टेस्ट। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच जीत से 55 रन दूर इंग्लैंड, तीसरे दिन 216 रन पर सिमटा पाकिस्तान। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता, रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में हराया, 8 गोल करके गोल्डन बूट जीता। 21 साल बाद भारत की झोली में आया मिसेज वर्ल्ड का ताज, 63 देशों को पछाड़कर जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल बनी विजेता, पति नेवी में खुद टीचर है।